बच्चे बड़ों से ज्यादा समझदार होते हैं। बारिश का मौसम था। एक सुंदर गांव में थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। दो छोटी लड़कियां सड़क के पानी में खेल रही थी। त्योहार का समय था। उन्होंने नई फ्रॉक्स पहनी थी। मोना सबसे छोटी और अंजू उससे थोड़ी बड़ी थी। मोना ने पानी में छलांग लगाई। वो पानी गंदा था। गंदा पानी छलका और अंजू की फ्रॉक पर गिर गया। अंजू वो साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ वहां पर आई। उसने अंजू की फ्रॉक देखी और उसे बहुत डांटा। अंजू की माँ ने कहा, आप अपनी नई ड्रेस इतनी गंदी कैसे कर सकते हो? अंजू ने कहा कि मेरी ड्रेस तो मोना ने खराब की है। अंजू की माँ ने मोना को पकड़कर उसकी पीठ पर 2-3 थप्पड़ लगाए। मोना जोर से रोने लगी। पास में ही मोना का घर था। अपनी बेटी को रोता हुआ सुन तुरंत ही मोना की माँ घर से बाहर आई। तुम रो क्यों रही हो? उसकी माँ ने पूछा। अंजू की माँ ने मुझे पीठ पर मारा, मोना ने कहा। मोना की माँ ने गुस्से से अंजू की माँ को देखा। उसने अंजू की माँ को गाली दी। जल्दी ही वो दोनों जोर जोर से झगड़ने लगी। गांव की अन्य महिलाएं भी उनके साथ जुड़ गई। कोई अंजू की माँ का साथ दे रहा था तो कोई मोना की माँ के समर्थन में था। लड़ाई में गांव के पुरुष भी शामिल हो गए। लग रहा था कि ये झगड़ा अब कभी खत्म नहीं हो पाएगा। उसी समय अंजू की दादी घर से बाहर आई। उन्होंने सबसे लड़ाई ना करने को कहा। त्योहार का समय है, आप सबको झगड़ना नहीं चाहिए। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उसी बीच मोना और अंजू अपने झगड़े के बारे में भूल गई और फिर से दोस्त बन गई। उन्होंने सबसे दूर जाकर वापस खेलना शुरू कर दिया। दादी ने सबसे कहा, इन बच्चों को देखो, वो अपना झगड़ा भूल गए और वापस साथ में खेलने लगे। लेकिन आप सब अभी भी झगड़ा कर रहे हो, क्या आप सबको खुद पे शर्म नहीं आती? सब छोटी लड़कियों को देख के शर्म महसूस करने लगे और चुपचाप अपने अपने घर चले गए। सीख, बच्चे बहुत आसानी से लड़ाई भूलकर माफ कर देते हैं।